इंसान को हर वक्त गुस्से में तनाव में नहीं रहना चाहिए, उसे हंसना मुस्कुराना भी चाहिए। अभी हम कुछ वीडियो यहाँ पर आपके लिए पेश कर रहे हैं, पहले आप इन वीडियो को देखें और इनको संजीदगी के साथ न लें। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, मज़े के लिए है। भारत के कुछ पॉलिटिशियंस हैं और एक अधिकारी हैं, सेना के पूर्व अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनका एक वीडियो भी इसमें शामिल है। तो सिर्फ मनोरंजन के लिए ये वीडियो देखें। बीजेपी से बैठा सकते थे तो नरेंद्र गौतम दास, सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास है। जी, हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी सफल, फिर भी जीरो बेस गिन ले तो उसका आधा 5 साल के अंदर हमने जंप लगाया है। और मुझे भरोसा है कि ये 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। देश उस दिशा में आगे जा रहा है। 3 मिलियन टन, 5 मिलियन टन, 3 मिलियन टन, 5 मिलियन टन, टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ी थी, इस सभी को 5 लाख। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? भाई बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, करेंगे आप गांधी की इच्छा पूरी करेंगे? मोहनलाल करमचंद गांधी हैं। अभी एक घटना हुई थी जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को एक शब्द विशेष इस्तेमाल करने की वजह से उनके खिलाफ FIR कराई गई और फिर बाद में उनके गिरफ्तारी हुई। यह भारत में एक अनोखा ट्रेंड चला हुआ है कुछ वक्त से, कुछ सालों से, जब से भारत के अंदर 2014 में रिजीम चेंज हुआ है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, कि वो अपनी बात कहते हैं, किसी को सुनने को तैयार नहीं है, किसी के मानने को तैयार नहीं होते, अपना अपना कहते हैं और अपना सब कुछ, हर इंसान को ये अच्छा लगता है तो अपने जरिए कही गई हर बात उनको अच्छी लगती है। और दूसरा, अगर कोई बात मजाक में भी कहे या कोई अच्छी बात सीरियस होकर के भी कहे तो वो उनको बुरी लगती है, चुभने लगती है। ऐसा प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए और यह भविष्य के लिए भी बहुत खतरनाक और नुकसानदेह भी है। पवन खेड़ा ने एक बयान दिया था मीडिया से, वो वार्ता कर रहे थे, उसमें उन्होंने वो शरारतन बयान भी हम मान लें उसको, कि उन्होंने एक शरारत की थी, तो उस पर उन्होंने बाद में फ़ौरन सॉरी भी बोला। जब इंसान किसी भी बात पे नदामत यानी शर्मिंदगी का इजहार कर दे तो उसको फिर वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसा हमारे समाज में हमेशा से रहा है और ये बहुत अच्छी परंपरा है जो पूरी दुनिया में मानी जाती है। अगर हम चलते फिरते वक्त किसी से थोड़ा सा टकरा भी जाते हैं, अगर हमारा कांधा टकरा जाए, जूता भी टकरा जाए किसी से, तो फौरन ही हम सॉरी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको थप्पड़ मार दें या उसको जलील करने लगे। तो पवन खेड़ा ने अपनी बात पे जो उन्होंने कहा था वहाँ उन्होंने मीडिया के सामने ही सॉरी भी बोल दिया था, तो उसमें कहीं कोई औचित्य नहीं बनता था कि उनके खिलाफ FIR हो और FIR होने के बाद बाकायदा उनकी फिर गिरफ्तारी भी की जाए। वहाँ उस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया और सुप्रीम कोर्ट के जो फिलहाल चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उनके जो हालिया 4-5 दिन के 10 दिन के अंदर जो कुछ निर्णय उन्होंने लिए हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे अडानी की का जो प्रकरण सामने आया हुआ है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, क्योंकि सरकार उस मामले में जांच कराने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है, ये ख्याल रखें नहीं है, और अडानी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए कोई एजेंसी देश की अभी तक तैयार नहीं है। पवन खेड़ा कोई कमेंट करते हैं उनके खिलाफ़ FIR हो जाती है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन अडानी के खिलाफ जो इतने संगीन आरोप लगे हैं
उसके बावजूद उनके खिलाफ अभी तक किसी भी एजेंसी ने अडानी के घर की कुंडी नहीं बजाई है, अडानी को किसी ने नोटिस नहीं भेजा, और खुद बेशर्मी देखिए इंसान की कि अडानी ने आज तक, अगर किसी के ऊपर, हम ये पहले भी कह चुके हैं, कोई आरोप लग जाता है तो वो ये कहता है समाज में खड़े होकर के कि अगर ये बात सही है तो आप मेरे खिलाफ इसमें कोई मुझे सजा दे दें। आमतौर पर इंसान के ऊपर अगर किसी के ऊपर आरोप लगते हैं तो मीडिया में या सोशल मीडिया में या किसी भी तरीके से वो अपनी बात कहता है कि अगर ये बात सही है तो आप इसकी जांच कर लें। अडानी की बेशर्मी है ये कि उसने एक बार भी आज तक नहीं बोला कि मेरे खिलाफ जो भी आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगे हैं उनकी जाँच करा ली जाए। जाँच होगी तो तमाम चीज़ें फिर खुलेंगी। ये तय है अडानी दूध के धुलुआ नहीं है इस मामले में। अडानी की तरफ से बहुत सारे अपराध किए गए हैं, फ्रॉड किए गए हैं, उन फ्रॉड की जांच के लिए सरकार तैयार नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झटका दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब ये जांच होगी और सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई जांच कमेटी उसमें जांच करेगी। तो जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की में जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उनके वक्त में अभी हाल में जो निर्णय लिए गए उससे बड़ी उम्मीदें जाग रही हैं, और चूंकि अभी बहुत सारे कई सीरियस जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं, जिसमें पेगासस का मामला है, जिसमें कश्मीर 370 का मामला है, जिसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति का मामला है, और कई सारे मामले हैं, उन पर फैसले आने वाले वक्त में आने हैं। और चीफ जस्टिस साहब का जो वक्त है वो अगले साल 2024 तक, नवंबर 2024 तक है, यानी 2024 में जो भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे वो उनकी मौजूदगी में होंगे, और अगर इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेगासस को लेकर या रफेल की पुनः जांच को लेकर के या अभी ये अडानी वाले मैटर में सही से जांच जब होगी तो बहुत सारी चीज़ें खुल के आएंगी और ये सरकार पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाएगी। सरकार नर्वस है इस वक्त, वो उसमें बेचैनी नहीं बल्कि नर्वसनेस है, और उनके पास कोई तरीका नहीं है कि वो अपने आप को इससे बचा सकें। अब अगर पवन खेड़ा ने कोई बात कही थी तो उसको इग्नोर किया जा सकता था। आपने पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई करके जो बात थी वो बात को और बढ़ा दिया आगे को, लोगों के पास तक ये बातें पहुँच रही, और अच्छी बात है, अडानी के बारे में लोग जाने कि कौन है ये डाकू। ऐसा नहीं है कि रातों रात दिनों दिन या कम वक्त के अंदर अचानक से अमीर लोग बन जाते हैं, मेहनत करना पड़ती है, इस्टेब्लिशमेंट होते हैं और दशकों की मेहनत होती है, चाहे टाटा हो, बिरला हो और अंबानी भी हैं उसमें, और भी देश के व्यापारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी फैमिलीज ने या उन्होंने कई दशकों तक मेहनत की है और अंजाम बतौर फिर वो किसी मकाम तक जा कर के पहुँचे हैं, और उनमें से बहुत कम लोग हैं देश के व्यापारी उद्योगपति जिनके ऊपर कभी इस तरह का कोई गंभीर आरोप लगा हो। ये इतिहास का सबसे बड़ा घोटाले का आरोप लगा है अंबानी के ऊपर, अडानी के ऊपर। इसकी जांच जब होगी तो उसमें रफेल का जो पैसा है, जो पेमेंट्स हुए हैं उसमें जो दलाली मिली है वो पैसा भी उसमें रिकवर होने की उम्मीदें हैं। दूसरे बहुत हद तक ये बात हमने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जो PM केयर फंड का पैसा है जिसके बारे में सरकार या सरकार नहीं सरकार जो हम यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे, सरकार नहीं बल्कि सिर्फ प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी की, उन्होंने कोरोना काल में ये बनाया, एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में पैसा लिया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में उसका कार्यालय है, और उसके बारे में कभी कोई जानकारी देने के लिए यह ट्रस्ट तैयार नहीं हुआ कि कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ। तो सवाल पैदा होता है क्या PMO का, वो PM केयर फंड का भी पैसा अडानी के समूह में लगाया गया, जैसे LIC और दूसरे बैंकों से पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट कराया गया। साथ ही एक अहम बात और है कि अभी जब ये अडानी के शेयर नीचे गिर रहे हैं और उन पर रेड सर्किल रोज़ाना लग रहे हैं, उस वक्त में बहुत पुख्ता सूत्रों के आधार पर ये जानकारी है कि एक बड़ी शक्ति ने कुछ व्यापारियों को आदेश दिए हुए हैं कि अडानी के फर्म में पैसा इन्वेस्ट करिए, पैसा पंप करिए उसमें, ताकि उसको बचाया जा सके। अभी भी बड़े लेवल पर अडानी को बचाने की कोशिशें शेयर बाज़ार में भी की जा रही हैं
और जो जांच है उससे बचाने की कोशिश की जा रही है। अडानी के ऊपर जो आरोप है वो उसमें उसके भाई, उसकी फैमिली पूरी इन्वॉल्व है। 66 कंपनियों का की जानकारी है अभी तक, जो फर्जी कंपनियां जिनके जरिए भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया गया, जिनको अडानी के भाई राजेश अडानी और विनोद अडानी चलाते हैं, जो उसके ओनर हैं, मालिक हैं। मॉरिशस के अंदर ये कंपनियां हैं, कुछ यूएई में है, कुछ साइप्रस में है, कुछ अफ्रीका के दूसरे देशों में है। और जैसे मॉरिशस के बारे में जानकारी है कि वहाँ से $1 में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी खोल सकता है, और वहाँ से 1,000, 10,000 करोड़, 100 लाख करोड़ कितने का भी लेना देना कर सकता है। कोई सरकार उसकी जांच नहीं करेगी, पूछेगी नहीं। अब वो जो फर्जी कंपनियां अडानी ने वहाँ बनाई हुई हैं, अडानी के भाई ने बनाई हुई है, उनका पैसा गौतम अडानी की कंपनियों में जो भारत में मौजूद है उनमें लगाया गया है। तो क्या उसमें जब इस तरह से बगैर जाँच के पैसा कोई भी कहीं से भी लगा रहा है, तो बहुत मुमकिन है जो एंटी नेशन फोर्सेस हैं, जिसमें आतंकवादी संगठन भी मौजूद है, और जो जो माफिया लोग हैं, इसराइलियन माफिया है, मैक्सिकन माफिया है, यहूदी माफिया है, ISI है, कोई भी हो सकता है, दाएश है, क्या उनकी उन लोगों ने उनका भी पैसा हो सकता है क्या अडानी के भाई की कंपनियों के मार्फत अडानी के कंपनियों में, गौतम अडानी की कंपनियों में भारत के अंदर लगा हो? तो जब तक जाँच नहीं होगी चीज़ें सामने नहीं आएंगी। ऐसे में बच के निकलने की कोशिशें जो है वो काफ़ी नहीं है। जांच करवाना चाहिए थी, जांच नहीं कराई गई है। बल्कि पवन खेड़ा जैसे लोग, अगर उन्होंने शरारत बतौर भी कुछ बोला तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। कार्रवाई आपको गौतम अडानी के खिलाफ करनी थी, गौतम अडानी के यहाँ छापे मारने थे, आप छापे मारे विपक्ष के यहाँ। दूसरे नेहा सिंह राठौर जो एक लोक गायिका है, गायकी बहुत खूबसूरत एक प्रोफेशन है, संगीत एक बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है, एक्टिंग बहुत खूबसूरत है, राइटिंग है, लोग अपनी बात बहुत सारे तरीकों से कहने की कोशिश करते हैं। आप उनको पाबंदी करेंगे, आप उनको सताएंगे, प्रताड़ित करेंगे, उसके यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया, और अभी उसका वीडियो आप देखेंगे सोशल मीडिया पर मौजूद है, वो मेडिकल में भर्ती है लड़की। तो इस तरह का चीज़ें देश के अंदर जो हो रही हैं वो बहुत गंभीर हैं, और उसके समाज पे भी बुरे असर पड़ते हैं। देश की जो व्यवस्था है उन वो तो प्रभावित होती है, साथ ही साथ समाज बहुत प्रभावित होता है, लोगों को बड़ी तकलीफें होती हैं, और ये चीज़ें थमनी चाहिए किसी न किसी तरह से, और ये थमेंगी तभी जब देश में कानून का राज होगा। हमें अब बहुत उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पिछले वक्त में कुछ काम किए हैं, आगे आने वाले वक्त में भी सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से निडरता के साथ काम करेगा, क्योंकि देश की तमाम बाकी संस्थाएं जो हैं उनसे कोई उम्मीदें नहीं रही हैं। वहाँ आरोपी को ही जिसके जो जो अपराधी होता है वो उसका बचाव किया जाता है। अभी हरियाणा में लोगों को जला करके मार दिया गया, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो मामला थे उनमें गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। CNRC के वक्त में जिन लोगों ने GNU के अंदर तोड़फोड़ की थी रात के वक्त में, और जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई, गिरफ्तारियां नहीं हुई। नुपुर शर्मा जिसने टेलीविजन पे बैठ करके पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गलत सलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है उसकी। कौन सी जांच चल रही है, कहाँ तक चल रही है, किसी को नहीं जानकारी है, बल्कि उसको दिल्ली की पुलिस की तरफ से हथियार का लाइसेंस भी दे दिया गया है। पेगासस का मामला, उससे पहले पनामा पेपर्स का एक मामला सामने आया था, उसमें भी गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी आरोपी है, ऐश्वर्या राय समेत अनेक लोगों पे, अमिताभ बच्चन भी उसमें नाम शामिल है, पेंडोरा पेपर्स से उसमें लोगों के नाम शामिल हैं। ये 2014 का मामला है, आज तक उनकी जांच कहां तक पहुंची किसी को जानकारी नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था तो देश को बिल्कुल अपाहिज बना के रखेगी। इस अपाहिज देश अपाहिज ना हो, ये बहुत बड़ा विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत खूबसूरत देश है, दुनिया का मॉडल है, जो दुनिया में कहीं कुछ नहीं है वो भारत के अंदर मौजूद है। तो इतने खूबसूरत देश को, इतने अच्छे देश को अब सिर्फ कानून ही से एक उम्मीद है, न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद है कि वो बचा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में पेगासस को लेकर के, अडानी के प्रकरण को लेकर के अच्छे से जांच होंगी, उसमें अच्छे फैसले आएंगे, ताकि जो चीज़ें हैं सही से वो सामने आए लोगों तक। शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TCN न्यूज़। Thank you.
झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है।